स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को आज मैं राशन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें कि हमारा राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको तो आना होगा क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद से ऐसा खुल के आ जाएगा शेड्यूल। इसमें जा कर के आपको सर्च करना होगा EPDS बिहार। EPDS बिहार सर्च करने के बाद सबसे पहले जो खुल कर आएगा, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है EPDS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर टच करना है। टच करने के बाद से आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, RC प्रिंट लिखा हुआ है, RC प्रिंट पे हमको टच कर देना है। टच करने के बाद थोड़ा सा और जूम करके देखना है, स्क्रॉल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस करके आपको दिखाई देगा, यहाँ पे टच करना है एप्लीकेशन स्टेटस पे। टच करने के बाद सबसे पहले ज़िला का नाम हमको ढूंढना है। जैसे मैं गोपालगंज ज़िले से हूँ तो गोपालगंज ज़िले पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अनुमंडल लिखा हुआ है, आप जिस भी अनुमंडल से हैं उस अनुमंडल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं हथुआ अनुमंडल से हूँ तो हथुआ को सेलेक्ट कर दिया। फिर RT-PCR संख्या क्या होता है, RT-PCR जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये RT-PCR एक प्रकार, जब आप राशन कार्ड आवेदन किए होंगे तो आपको वहाँ पे जो मिला होगा रिसीविंग उसी पे लिखा होगा RT-PCR नंबर, आवेदन संख्या लिखा होगा हिंदी में, उसी को वहाँ पर लिख देंगे हम। वो कम से कम 20 अंकों का होता है। तो जैसे मैं पहले से सर्च किया हूँ तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, तो 20 अंकों का जो आवेदन संख्या है वहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद से यहाँ पे शो और कैंसिल लिखा हुआ है, तो शो पे हम क्लिक करेंगे। शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपका राशन कार्ड ऑनलाइन हुआ है तो स्टेटस दिखाने रहेगा। जैसे मेरा स्टेटस तो अभी नहीं दिखा रहा है, आवेदन मौजूद नहीं पाया गया है लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इन लोगों ने चढ़ाया ही नहीं है, इस पर अपलोड ही नहीं किया है, दिखा नहीं रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं दिखा रहा है तो आप अपने अनुमंडल पे जाके, या फिर एक नंबर है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप लगा करके कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन के बाद से आपका बनने का जो उम्मीद है वो जल्द ही बन सकता है आपका राशन कार्ड। धन्यवाद। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको न्यूज़ मिलेगी मेरी तरफ से। आपको बहुत सारी जानकारियाँ देनी है मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।